एक सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। सिंपल पेपर एक होगा, ठीक है। एक्चुअली ये एग्जाम में आ चुका है इस रीजन में, ठीक है। लेकिन जो है ये आपका जो 2022 में जो फाइनल एग्जाम होने वाला है, ठीक है, मार्च में जो, और कुछ लोगों का अभी फरवरी में हो रहा है, तो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वो जो एग्जाम होने वाला है ना उसके लिए ये जो सैंपल पेपर है वो बनाया गया है, ठीक है। अब ये पूर्णांक 40 है और 90 मिनट है। अब क्वेश्चन तो है जो बिल्कुल जो है सेम नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं 20 क्वेश्चंस बताऊंगा तो उसमें से 3-4 तो मैच करेंगे ही मैच करेंगे, ठीक है, इतना याद रखिएगा। और पैटर्न सेम हो जाएगा, ठीक है। तो आप 10 मिनट का वीडियो है, देख लीजिए कि आपका चला जाता है, ठीक है। आगे देखिए, बोला जा रहा है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। इसको पढ़ना कहानी है। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया, ठीक है। ये जो लेखक है वो आंगन की ओर चले गए, कई दिन बीत गए, ठीक है, कई दिन बीत गए। मैं इस प्रसंग को एकदम भुला सा गया, ठीक है, कि मैं आंगन में गया था, ठीक है। ये इस बात को जो है बिल्कुल से भूल गया कि मैं आंगन में गया था, ठीक है। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली, ठीक है। रामी जो थी, रामी, उनकी जो है कौन मिली, चाची, रामी की चाची मिली इनको रास्ते में, ठीक है, समझ में आ रहा है। वह दादी को, ठीक है, वह दादी को पुतो फलो दूध नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी, ठीक है। अब जो था वह कोई हो सकता है, जो है ये जो लेखक है ना, ये जो लेखक हैं उनकी दादी को, लेखक के जो है, लेखक के दादी को जो है, ये जो इनको दादी है ना, उनको क्या दे रही होंगी, आशीर्वाद दे रही होगी। कौन सा आशीर्वाद, पुतो फलो दूध नहाओ, ठीक है। पुतो फलो दूध नहाओ मतलब काफ़ी ज़्यादा दिन तक जियो, खुश रहो। मैंने पूछा, ठीक है, तो अब ये जो है लेखक है वो पूछ रहा है, मैंने पूछा क्या बात है धन्नू चाची, ठीक है। तो इनका नाम जो था वो धन्नू चाची नाम था, ठीक है, धन्नू चाची। तो उसने बिहवल होकर कहा, ठीक है, तो उसने जो है काफ़ी अच्छे से बिहवल होके कहा, ठीक है, बिहवल होके कहा, होकर होकर कहा, आगे देखते हैं, ठीक है, नीचे कर रहे हैं, बिहवल होकर कहा, उरीन हो गया बेट हो गई बेटा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। बोला जा रहा है उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का, ठीक है। तो यहाँ कुछ मालकिन के बारे में बातचीत चल रहा है, ठीक है। बोले जा रहे ये धन्नू चाची बोली है, वो मालकिन जो है कल ही आई थी, ठीक है, कल ही आई थी वो, पीछे के सभी मतलब ये जो है, ये जो है धन्नू चाची जो है मालकिन के यहाँ काम करती है, ठीक है। ये जो धन्नू चाची है ना, धन्नू चाची, धन्नू, ये जो है मालकिन के यहाँ क्या काम का, मालकिन के यहाँ पहले से ही काम करती थी, ठीक है। और लेकिन वो कल ही आई थी, ठीक है, काम करती थी, लेकिन जो है कल ही आई थी। तो जो पीछे का पैसा था ना, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, मतलब पीछे का सभी रुपया नहीं दिया, ठीक है, जो काम की थी उसका रुपया नहीं दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, ठीक है, बस 10 रुपये का, कितने रुपये का नोट, एक 10 रुपये का नोट होता नहीं है, वो जो है नोट देकर जो है बोली, ठीक है, 10 रुपये का नोट देकर जो है बोली, 10 रुपये का नोट है मान लीजिए ये, ठीक है, नोट देकर बोली, देख देखना धन्नो, ठीक है, क्या बोल रही, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, ठीक है, मतलब बोल रही है कि जैसा आपका बेटी है वैसा मेरा ही बेटी है, ठीक है, मतलब दोनों को सेम कह रही है लेकिन पैसा दे नहीं रही है, सेम दोनों को कह रही है, जैसा इनका बेटी वैसा उनका बेटी, लेकिन 10-5 के लिए हंसाई न हो। तो ये बोल रहे हैं कि 10-5 के लिए हंसाई न हो, 10-5 में किसी का क्या ही होने वाला है, ठीक है, ये कह रही है, 10-5 में जो है किसी का क्या ही होने वाला है, देवता है बेटा देवता, ठीक है, मतलब भगवान सबका भला करेंगे, ये कह दिया गया, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें पैसेज में। सबसे पहले जो है लेखिका आंगन में चली गई, ठीक है, ठीक है, तो वो उसको भूल गए, ठीक है। इसको जो है एक दिन चाची मिली, उनसे जो है बात कर रहे थे बस, तो वो इस मालकिन के बारे में बता रहे थे, बस यही है। यहाँ पे मैं का अर्थ किसके संबंधित है, ठीक है, मैं का अर्थ किसके संबंधित है, तो यहाँ पे लेखक जो है मैं का अर्थ है, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे देखिए, रामी की चाची उन्हें कहाँ मिली, ठीक है, तो वो कहाँ मिली थी, तो उनको जो है रामी की चाची जो है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ था रामी की चाची, रास्ते में, ठीक है, रास्ते में मिली थी, है कि नहीं, रामी की चाची रास्ते में मिली थी, तो यहाँ पे रास्ते में जो है सही आंसर हो जाएगा। मालिक का स्त्रीलिंग है, ठीक है, मालिक का स्त्रीलिंग क्या है, मालकिन है, ठीक है, मालकिन,
चाची ने लेखक को कैसे जवाब दिया? ठीक है, चाची ने लेखक को कैसे जवाब दिया? खुश होकर, उदास होकर, बिह्वल होकर, ठीक है, मतलब बीबस होकर, अच्छा थोड़ा नहीं लेकिन बीबस होकर, क्या करे पैसा काट लिया। इस गद्यांश का शीर्षक क्या है? ठीक है, इस गद्यांश का शीर्षक क्या है? दादी माँ, हिमालय की बेटियाँ, ये नहीं ये नहीं, ये होगा दादी माँ सही आंसर, दादी माँ सही आंसर। निम्नलिखित काव्यांश पढ़कर बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, इसको पढ़ लेना है और फिर जो है नीचे उत्तर देना है। हम बहता जल पीने वाले, ठीक है, क्या बोला जा रहा है? हम बहता जल पीने वाले, मतलब जो ये जो लेखक है ना, वो शायद नदी का पानी पीते हैं, झरना का पानी पीते हैं, जहाँ जल जो है बहते रहता है। मर जाएंगे भूखे प्यासे, मतलब ये भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबौरी, कहीं भलू है कटुक निबौरी। कनक कनक कटोरी की मैदा में, कनक कटोरी की मैदा में, इस लाइन कहने का, इसका कहने का मतलब हुआ ना कि एक लेट सपोज कीजिए कि ये कटोरा में मैदा है, ठीक है, मैदा है जिससे अच्छा खासा पूड़ी बन सकता है, और यहाँ पे निबौरी है। निबौरी मतलब जो नीम देखे हैं ना, नीम में एक खास प्रकार का फल लगता है, तो ये मेरे लिए अच्छा है, ये नहीं करूँगा, मैं भूखे मर जाऊँगा लेकिन यही खाऊँगा, ठीक है। ये जो है राजभोग नहीं करना अपने को, ये बोलते हैं कि हम जल बहता जल पीने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। मील्स ऑन हिल्स मतलब सादा जीवन ये बिताने वाले हैं, ठीक है, सादा जीवन वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। मील्स ऑन हिल्स, मील्स ऑन हिल्स, समझे, समझ रहे हैं। कहीं भली है कुटक निबौरी, मतलब ये जो काफ़ी कड़ा होता है निबौरी, लेकिन सेहत के लिए बढ़िया होता है। कनक कटोरी की मैदा में, और ये काफ़ी तेल होता है तो वो अच्छा नहीं होता। पक्षी क्या पीते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है पक्षी जो है वो क्या पीते हैं, तो बोला जा रहा है जहता बहता जल, बहता जल, ठीक है, वही के बारे में तो बोला जा रहा है। हम बहता जल पीने वाले, ठीक है, पक्षी ही तो है ये, हम पक्षी ही तो है, समझे। निबौरी का अर्थ क्या होता है? नीम का फल होता है, सही है। निबौरी का अर्थ क्या होता है? निबौरी का अर्थ क्या होता है? तो नीम का फल। इनमें से कौन सा शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है? सोना, सुवर्ण, पक्षी। सोना का जो है कौन सा शब्द कनक का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है, तो पक्षी नहीं है, ठीक है। सब कनक का मतलब सोना होता है, सुवर्ण होता है, ये सब पक्षी नहीं है, पक्षी अलग है। इस कविता का शीर्षक क्या है, ठीक है, तो ये वाला सही है। हम पक्षी उन्मुक्त गगन में, गगन के। इस कविता के जो है कवि कौन है, ठीक है, इस कविता के जो है वो कवि कौन है, तो ये है भवानी प्रसाद मिश्र। आगे देखिए ख, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है क्या, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। पहाड़ी का बहुवचन क्या है? पहाड़ी का बहुवचन पहाड़ियाँ होता है, इस तरीके से सही है, ये गलत है, ठीक है, ये जो है ना बी, ये ए गलत है, ये बी सही है, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। आगे क्वेश्चन बोला जा रहा है, संभ्रांत महिला की भांति, संभ्रांत महिला की भांति में विशेषण शब्द कौन सा है, ठीक है, संभ्रांत इस यहाँ पे है कि नहीं, संभ्रांत महिला, महिला की विशेषता कौन बता रहा है, संभ्रांत, तो संभ्रांत जो है वो विशेषण है, ठीक है, सी को, यहाँ पे सी जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। राजा रानी कौन सा समास है, ठीक है, राजा रानी द्वंद्व समास है, ठीक है कि नहीं, उल्टा उल्टा रहता है, ठीक है, द्वंद्व समास, जैसे कि राजा रानी और बोल सकते हैं भाई बहन, ठीक है, भाई बहन, दिन रात हो गया इस तरीके का, ठीक है, दिन रात, ये द्वंद्व समास होते हैं, कौन से समास, द्वंद्व समास, दोनों अलग अलग रहते हैं, द्वंद्व करते हैं लड़ाई। अनुपस्थिति में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, अनुपस्थिति में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, उपसर्ग वो होता है जो कोई भी शब्द के पहले लगता है, तो यहाँ पे अनु प्लस में उपस्थित है ना, अनु प्लस में उपस्थित, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, अनु, अनु, समझे, समझ गया। आगे प्रतिकूलता में कौन सा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है अ प्लस अनु, अनु प्लस में उपस्थित है ना, उपस्थित है कि नहीं, उपस्थित यही है, और ये जो है ये उपसर्ग होता है, उपसर्ग, और जो बाद में लगता है ना, जो बाद में लगता है, जैसे कि मैं ले लूँ कोई और जो बाद में लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं, बाद में बताऊँगा वो। प्रतिकूलन, प्रतिकूलता में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है, ये देखिए प्रत्यय आ गया जो लास्ट में लगता है, जैसे यहाँ पे देखिए प्रतिकूल, प्रति, प्रतिकूल, कूल है ना, कूल है ना, प्रतिकूल, ठीक है, प्रतिकूल। अब इसमें क्या लगा दिए, ता लगा दिए है ना, प्रतिकूल ता,
तो ये क्या बन गया, प्रतिकूल।